सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये CDN की लिंक्स कैसे डाउनलोड करके आप लोग कोड को रन कैसे कर सकते हैं। अभी आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मैन्युअली ये सारी चीज़ें कैसे की जाए। तो इसके लिए हम न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक न्यू एंड फाइल का नाम दे देते हैं रेंडर। ठीक है, रेंडरिंग कैसे होती है वही चेक करना है हमें एक्चुअली। ओके, सो इसको कर देते हैं हम पेस्ट और यहाँ पर न्यू एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट्स है यहाँ से उठा के पेस्ट कर देते हैं एंड बाकी का पार्ट यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सिंपली हेलो वर्ल्ड ऐसा एक मैसेज लिख देता हूँ एंड इसको राइट क्लिक करके रन कर देते हैं हम। ओके, राइट क्लिक ओपन विथ गूगल को। ओके, सो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है। फाइन, सो इसके बाद अभी क्या करना है, अभी हमें एक रूट एलिमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मैं एक रूट एलिमेंट बनाता हूँ, ड्यू आई डी इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज माय रूट। ओके, और स्लैश ड्यू। ठीक है, तो इसको एक एंड टैग भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमारा रिएक्ट जो है वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है तो स्क्रिप्ट में ही उसका कोड लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जेक्वेरी का भी हम कोड स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो भी एक लाइब्रेरी है, उस तरह यहाँ पर भी स्क्रिप्ट में हमें कोड लिखना पड़ेगा। फाइन, फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है आपकी कंपोनेंट कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो एक नॉर्मल आपको पहले क्लास बनाना है। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं हेलो। ठीक है, नॉर्मल एक क्लास बनाना है, उसमें आप कोई भी एक रेंडर कर सकते हैं मेथड। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, रेंडर मेथड लिखनी है, रेंडर। ओके, एंड इसमें कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे HTML रिटर्न कर रहा है वैसे ही हमें क्या करना है, रिटर्न करना है HTML को। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये क्या कर दिया हमने, अभी रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस क्लास को कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिएक्ट में सारी की सारी चीज़ें कंपोनेंट होती है, तो इसको अगर मुझे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड करना पड़ेगा इस क्लास को विथ दिस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट अगर लिखता हूँ तभी ये हेलो क्या हो जाएगा, हेलो क्लास ये कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है कंपोनेंट को रिएक्ट डॉम के थ्रू इसको क्या करना है, आपने रेंडर करना है। ठीक है, तो रिएक्ट डॉम के थ्रू इसको रेंडर करना है। तो यहाँ से मैं अगर ले लेता हूँ रिएक्ट डॉम, ओके कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, एंड फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो पास करनी है दैट इज़ योर, ये देखिए यहाँ पर जो पास करनी है दैट इज़ योर कंपोनेंट का नाम। ठीक है, और कंपोनेंट का नाम आपको जो पास करना है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टैग। ठीक है, तो उसको टैग के फॉर्मेट में ही आपको पास करना है। ठीक है, इट इज़ सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो एक ही चीज़ यहाँ पर रहेगी, क्लोजिंग टैग सेपरेटली नहीं रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़, इस कंपोनेंट को मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, इसको मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है वो चीज़ यहाँ पर देनी पड़ेगी आपको। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देता हूँ एंड यहाँ पर दे देते हैं कि इसको रूट पे अप्लाई करना है। ओके, तो इसको कर देते हैं सेव एंड जैसे ही ब्राउज़र में जाके हम रिफ्रेश करेंगे आपका ये हेलो वर्ल्ड मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए। एक सेकेंड, इसको F12 प्रेस करके चेक करते हैं क्या गड़बड़ी है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन यहाँ पर दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 19 के ऊपर। तो लाइन नंबर 19 इज ओके, सो यहाँ पर रेंडर किया हमने हेलो। ओके, और इसी तरह रिएक्ट डॉम हेलो। ओके, और ड्यू के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी सही से लिखा हमने। ओके, फाइन, इसी को एज इट इज
ओके यहाँ पर रिटर्न करते वक्त हमें टेक्स्ट को रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को रिटर्न करना है, दैट इज कॉल्ड एज जेएसएक्स कंटेंट। ओके हेलो वर्ल्ड, हाँ ये एक चीज़ ध्यान देने वाली है अभी यहाँ पर, अच्छा हुआ ये एरर आया। तो रिटर्न करते वक्त जब भी आप कंपोनेंट से कोई भी चीज़ रेंडरिंग के थ्रू रिटर्न करते हैं, वो एक टैग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर वो टैग के अंदर नहीं है तो वो रेंडर नहीं होगा ठीक से। तो मैंने एच वन टैग, मतलब ये कैसा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और उस ऑब्जेक्ट को आप रेंडर कर सकते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन सी ये यहाँ पर लोड कर रहा है, ठीक है। H1 यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है। सो रिटर्न H1 हेलो वर्ल्ड, हमने भी वही लिखा है, रिटर्न हेलो वर्ल्ड रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट। ओके एरर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कंसोल ओके अनएक्सपेक्टेड लेस देन सिंबल। ओके अब मुझे समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो यहाँ पर हमने टाइप देना भूल गए, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश देकर इसको बैबल देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमने बैबल यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, तो ये जो पार्ट है ये रेंडरिंग करने के लिए इसको टाइप बैबल देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर बैबल दिया तभी ये क्या करेगा, इसको रेंडर करके बराबर से रन करेगा। अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, सो ये फाइल्स लोड हो रही है। सो फाइनली हमारा कोड यहाँ पर रन हो गया है, ठीक है, इसको वेब व्यू में देखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर बराबर से मैसेज दिखाई दे रहा है। सो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करो तो उस कंपोनेंट को एज अ टैग यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा टैग में इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है, हेलो नाम के ही इसमें ट्राई करते हैं हेलो। ओके हेलो में हेलो कॉल करके देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये कंपोनेंट्स आप क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर दो बार वो दिख रहा है, अलग अलग जितने भी जगह पर आप इसको रखेंगे वहाँ पर क्या होगा, ये रेंडर हो जाएगा। तो कंपोनेंट का नाम यहाँ पर देना है आपको फर्स्ट आर्गुमेंट में, एंड सेकंड आर्गुमेंट आपको क्या देना है कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या किस पर्टिकुलर डिव में या फिर किस पर्टिकुलर आपके टैग के अंदर वो अप्लाई करना है कंपोनेंट। तो वो आपको यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में देना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना कि आपको स्क्रिप्ट में टाइप लिखना है टेक्स्ट स्लैश बैबल। ओके तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको कंपोनेंट बनाना है ऐसा सेपरेटली एक क्लास बना के, और एक्सटेंड करना है डॉट कंपोनेंट से, तभी वो क्या होगा, नॉर्मल क्लास जो है आपका वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अंदर एक रेंडर मेथड रखना बहुत ज़रूरी है। रेंडर मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा कोई तो भी एक HTML। ओके सो HTML का एक टैग वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है जो कि पैरेंट टैग रहेगा, एंड देन उसको ऐड कर देना है एंड यू आर गुड टू गो टू रन दिस रिएक्ट का कंपोनेंट। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि JSX क्या होता है और उसको कैसे का हम यूज़ कर सकते हैं। JSX के साथ साथ हम लोग फ्रैगमेंट का भी देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।